नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नस कौशल और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि यू टर्न कैसे लेते हैं रोड पे। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट कर दिए सर प्लीज बताइए कि यू टर्न कैसे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को पूरा अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि आप रोड पे कैसे यू टर्न लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, टू लेन है, मतलब एक साइड से गाड़ी जा रहा है, एक साइड से आ रहा है, एक ही लेन में अलग अलग रोड ने बना, जैसे फोर लेन जिसको बोलते हैं, जिसके बीच में डिवाइडर रहता है और एक साइड से गाड़ी आता है और दूसरे साइड से गाड़ी आता है, तो ये लगभग ये टू लेन बोला जाता है। और बोला जाता है सिंगल रोड, सिंगल रोड उसको बोलते हैं दोस्तों, जिससे कि आप देखे होंगे गांव घर में आपको अधिकतर देखने को मिलता होगा, ये वाला जो लाइन पट्टी के इधर वाले जो दिखाई दे रहा है वो सिंगल होता है। अगर उधर से कोई भी गाड़ी आता है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने गाड़ी को साइड करना पड़ता है, वो अगला गाड़ी पार होता है या उस साइड उस गाड़ी को रोकने बोलना पड़ता है, तब वो गाड़ी को पार करते हैं। तो उसको बोलते हैं सिंगल लेन, इसको बोलते हैं डबल, और फोर लेन बोलते हैं जहाँ पे डिवाइडर होता है, वो मतलब इस तरह से रोड रहता है और बीच में डिवाइडर रहता है, फिर इस तरह से उधर रोड रहता है, उसको मतलब फोर लेन। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग करना पड़ता है किस तरह से यू टर्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम यू टर्न लेंगे गाड़ी को। ठीक है, तो गाड़ी को सबसे पहले यहाँ से बढ़ाते हैं हम। तो इस टाइप के रोड में आपको दो तरह से यू टर्न लेना है। किस तरह से यू टर्न लेना है देखिए, एक तो सबसे पहले जाना है, चलिए बताते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ टर्न है, तो टर्न पे यू टर्न लेना सही बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे हम रोड पे यू टर्न लेंगे। तो दो प्रकार का यू टर्न इस रोड पे लिया जाता है। तो पहला प्रकार ये है, अगर आपको जगह मिलता है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आप गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड ले जाइए, उसके बाद यू टर्न लीजिए, उससे क्या होगा इजिली यू टर्न होता है। तो देख सकते यहाँ पे जगह है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाड़ी को पूरा लेफ्ट लेंगे हम। ठीक है, पूरा लेफ्ट ले लिए, गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे खड़ा कर दिया हम, रोड से देख सकते हैं दोस्तों, देखिए रोड से देख सकते हैं बिल्कुल हम रोड की साइड में आ चुके हैं गाड़ी को लेकर। ठीक है, यहाँ पे ले गाड़ी को लेकर चलाए हम। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला आपका काम है इंडिकेटर को ऑन करना, राइट साइड का इंडिकेटर, मुझे राइट साइड घूमना है तो राइट साइड के इंडिकेटर को हम ऑन करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लाइट जल रहा है इंडिकेटर। ठीक है, अब उसके बाद मुझे ये चीज़ ध्यान देना है, ये वाला सिस्टम देख सकते हैं वो आरवी मिरर में, आपको पीछे की ओर देख रहा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं पीछे गाड़ी अभी आ रहा है एक, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे वेट करेंगे, और उसी प्रकार आपको आगे साइड भी ध्यान देना है, कोई गाड़ी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को देखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको राइट टर्न लेना है, तो स्टीयरिंग को बिल्कुल राइट की ओर, पूरा स्टीयरिंग को खड़ा गाड़ी में ही हम बिल्कुल घुमा देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं गाड़ी पार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाफ क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे, देखिए बिल्कुल इधर भी ध्यान देना आपको। ठीक है, अब जैसे ही इस ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी के आपका खिड़की के बीच में आ जाएगा, उस वक्त आपको गाड़ी को रोक देना है। इसलिए रोकना है दोस्तों क्योंकि आपका गाड़ी उस साइड आपको अंदाजा नहीं है कि बाएं वाला चक्का हो सकता है गड्ढा में भी जा सकता है, इसलिए क्या करेंगे फिर से हम फिर लेफ्ट की ओर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट ले लिए और रिवर्स गियर लगाना है यहाँ पे, फिर इंडिकेटर को लेफ्ट की ओर टर्न लेना है, फिर से हम पीछे करेंगे धीरे धीरे इस तरह से, बस यहाँ हल्का सा करेंगे बीच में हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से यहाँ पे गाड़ी को फिर से घुमा सकते हैं, हम आराम से घूम जाएगा देखिए। तो ये रहा एक तरीका। ठीक है, तो चलिए अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि हम रोड के किनारे उतार के हम गाड़ी को टर्न लिए। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, बहुत जगह ऐसा आप लोगों को जगह मिलेगा कि रोड के साइड आप गाड़ी को उतार नहीं सकते, या गाड़ी पार्क रहता है, दूसरा गाड़ी पार्क रहता है, या उस साइड में कुछ कुछ रहता है, मतलब आपको दोनों जो पट्टा दिख रहा है, ये वाला पट्टा और उस साइड वाला जो पट्टा है, व्हाइट वाला जो पट्टा दिखाई दे रहा है, उसी के बीच में आपको टर्न लेना है, तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा, चलिए वो भी आपको बताते हैं हम। तो गाड़ी को हम बढ़ा लेते हैं, सबसे पहले पोल के पास लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पोल है, तो यहाँ पे गाड़ी को तो हम बाएं दबा नहीं सकते गाड़ी को, तो यहाँ क्या करेंगे फिर से हम धीरे धीरे गाड़ी को यहाँ पे साइड करके रोकेंगे हम। ठीक है, उसी प्रकार रोकना है, रोड के बिल्कुल किनारे रोके हम गाड़ी को, तो देख सकते हैं देखिए बिल्कुल रोड के साइड में है, हम रोड के उस साइड की गाड़ी को नहीं ले गया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से उसी प्रकार आपको करना है, इंडिकेटर को ऑन करना है राइट साइड वाला, दोनों साइड आपको ध्यान देना है गाड़ी आ रहा है क्या। तो देख सकते हैं कि अभी आगे से गाड़ी आ रहा है कि ओमनी, तब तक हम क्या करेंगे स्टीयरिंग को बिल्कुल राइट की ओर घुमा लेंगे, घूम गया। अब यहाँ पे फिर से हल्का सा रेस लेंगे और हल्का सा क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे हल्का सा, देखिए आपको अंदाजा लगाना है कि आगे वाला टायर हो सकता है पट्टा, जो वो जो पट्टा दिखाई दे रहा है वहाँ तक पहुँच गया होगा,
तो उसके बाद आपको गाड़ी को रोक देना है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम रिवर्स गियर डालेंगे, फिर से इंडिकेटर को, लेफ्ट साइड वाले इंडिकेटर को लेना है। आप देखेंगे इस साइड में, देखिए यहाँ पे गाड़ी आ रहा है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा से रुक जाना है। इधर एक बाइक आ रहा है बहुत दूर में वो, ठीक है। अब देखिए ये कार पार हो गया, अब हल्का सा गाड़ी को फिर से पीछे करना है इसी प्रकार, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट गियर डाल के फिर गाड़ी को आगे बढ़ाना है। उससे पहले हमको ध्यान देना है, एक देखे थे बाइक आ रहा था, बाइक आ रहा, देखिए आ चुका है बाइक, इसको क्या करेंगे पार होने देंगे। बाइक पार हो चुका है, आप रोड पे कोई नहीं है, फिर से हम क्या करेंगे धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ेंगे और हल्का हल्का रेस लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम यू टर्न ले लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सिंगल रोड पे बताते हैं कि सिंगल रोड में आपको किस तरह से यू टर्न लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये है सिंगल रोड, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों साइड व्हाइट कलर का जो पट्टा है दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में कोई भी व्हाइट कलर का पट्टा नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक साइड गाड़ी जाता है, अगर उस साइड से कोई गाड़ी आएगा तो मुझे रोकना पड़ेगा और अच्छी तरह से साइड करना पड़ेगा, फिर वो गाड़ी पार होगा, ठीक है। तो चलिए अब वहाँ पे आपको हम टर्न लेके दिखाते हैं कि किस तरह से हम इस सिंगल रोड पे टर्न लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस सिंगल रोड पे हम कैसे टर्न लेंगे वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं जो दोनों पट्टा जो दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला पट्टा, उसी के बीच में हम गाड़ी को टर्न लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट गियर डालेंगे हम और वहाँ पे जाके हम गाड़ी को रोक देंगे। देखिए बिल्कुल साइड ले जाना है और गाड़ी को यहाँ पे रोक देना है। फिर उसी प्रकार आपको दोनों साइड ध्यान देना है, क्योंकि इस साइड में गाड़ी भले ही नहीं आएगा, लेकिन गांव घर के जो कोई मोटरसाइकिल वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो फिर से हम टर्न लेंगे, इंडिकेटर को ऑन करेंगे और स्टीयरिंग को बिल्कुल हम मोड़ लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार फिर से हाफ क्लच को छोड़ना है और हल्का सा रेस लेना धीरे धीरे, देखिए बस। फिर ब्रेक मार देना है, फिर से वापस लेना है मुझे, ठीक है। स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट की ओर घुमा लिए, यहाँ एक बार में नहीं होता दोस्तों, ठीक है, यहाँ दो तीन बार लगभग करना पड़ता है तब जाके गाड़ी को हम घुमा पाएंगे। फिर से हम करेंगे, अब आपको ध्यान देना है कि पीछे की ओर ज़्यादा सटना नहीं चाहिए, अदरवाइज अगर आपको दिक्कत होगा तो आप गेट को भी खोल के देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए चक्का हमारा चला गया व्हाइट पट्टी के पास, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग को राइट की ओर घुमाना है, फिर फर्स्ट गियर डालेंगे और हल्का सा आगे बढ़ेंगे, फिर रोक देंगे, ठीक है। फिर से स्टीयरिंग को लेफ्ट की ओर, रिवर्स गियर, ठीक है। मुझे अंदाज हो जाता है, लेकिन आप लोग कभी आप लोग को दिक्कत होगा अंदाज करने में पीछे में, तो इस तरह से आप गेट को बार बार खोल के देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे अंदाजा है। यहाँ पे पीछे करेंगे, ठीक है, रोक देंगे गाड़ी को यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से स्टीयरिंग को राइट टर्न लेंगे, फिर से फर्स्ट गियर डाल के हम आगे बढ़ेंगे, देखिए बढ़ गया, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हम गाड़ी को घुमा लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सिंगल रोड पे यू टर्न लेना, ठीक है। इस प्रकार का रोड में आपको एक बार में टर्न नहीं होता है, बार बार आपको करना पड़ता है, दो तीन बार लगभग करना पड़ता है, उसके बाद आसानी से टर्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आपको फोर लाइन में दिखाते हैं फोर लाइन में आपको किस तरह से टर्न लेना, जहाँ पे बीच में आपको डिवाइडर वाला रोड मिलता है, ठीक है, दोनों साइड रोड है, बीच में डिवाइडर रहता है, तो उस जगह पे आपको किस तरह से टर्न लेना है। चलिए आप उस प्रकार का रोड को हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम फोर लेन पे आ चुके हैं, मतलब इस साइड से गाड़ी जाएगा और उस साइड से गाड़ी आता है, तो इस प्रकार का रोड पे हम चले आए, ठीक है। देख सकते हैं बीच में जो है डिवाइडर है, यही रोड का हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस रोड पे आप किस तरह से यू टर्न लेना है वो चीज़ आपको सिखाने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमको यू टर्न लेना, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से लेंगे हम, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे डिवाइडर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे यू टर्न लेना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे जाएंगे और बिल्कुल इस तरह से टर्न लेंगे गाड़ी को, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है ये वाला डिवाइडर का, ठीक है, तो जैसे वहाँ पे हम जाएंगे तो गाड़ी को क्या करेंगे, हल्का से हम लेफ्ट की ओर पर ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट की ओर लेके हम घूमेंगे, इसलिए लेफ्ट की ओर लेके घूमेंगे। अगर हम बिल्कुल सामने से जाएंगे तो क्या होगा, वो जो डिवाइडर है उस डिवाइडर से मेरा पिछला जो हिस्सा है गाड़ी का वो सट सकता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए अगर हम इस तरह से लेते हैं,
आपको तो पहले एक बार एग्जांपल दिखाते हैं हम, ठीक है। अगर हम इस तरह से लेते हैं, काफी और क्या होता है दोस्तों, आप लोग ट्रैफिक में जाते होंगे और बिल्कुल साइड में जगह नहीं मिलता है, आपको बिल्कुल सटा के चलना पड़ता है डिवाइडर से, तो उस वक्त आपको क्या करना है, देखिए अगर हम इस तरह से जाते हैं दोस्तों और हम यहाँ पे इंडिकेटर दिए और यहीं से टर्न लेना स्टार्ट किया हम, ठीक है। इस तरह से अगर टर्न लेंगे हम दोस्तों तो देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम ज़्यादा टर्न लेंगे तो ये वाला जो डिवाइडर है, जैसे गाड़ी मूवमेंट होगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे सट सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ को हमेशा बचा के चलना है। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, गाड़ी को फिर से हम रिवर्स करते हैं, देखिए अगर थोड़ा सा दिखाई देते हैं आपको हम, ठीक है। देखिए अगर हम टर्न नहीं लेते हैं, देखिए बिल्कुल सामने चला आता है, इससे क्या होगा, देखिए सटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या किए थे हम दोस्तों, बिल्कुल गाड़ी को जो है बिल्कुल सामने से ले गए थे, ठीक है। तो सामने से लेके हम क्या किए थे, टर्न लेने को कोशिश करते थे, लेकिन उससे क्या होता है, मेरा ये डिवाइडर है और मेरा गाड़ी का पिछला हिस्सा वो सट सकता था, तो मेरा गाड़ी डैमेज हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए फिर से आपको उसी प्रकार चला के दिखाते हैं, बिल्कुल सामने से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाइएगा वहाँ पे, ठीक है, आप गाड़ी को क्या करेंगे, हल्का से हम इस साइड को सबसे पहले मिरर को देखेंगे कि उस साइड को गाड़ी नहीं होना चाहिए, तो हल्का से पहले हम मतलब एक डेढ़ बिता जैसा, ठीक है, हल्का से पहले हम लेफ्ट की ओर गाड़ी को टर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरा अच्छा खासा जगह हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, धीरे धीरे गाड़ी को राइट टर लेंगे, इंडिकेटर को दे देना है, राइट टर लेंगे। और यहाँ टर लेने के बाद सबसे पहले इधर से ध्यान देना है, कोई गाड़ी नहीं आना चाहिए, और पूरा स्टीयरिंग को कटिंग कर लेना है। देखिए देखिए इस तरह से अगर टर लिए हम तो देखिए कितना जगह मिल गया ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ कितना जगह मिल गया मुझे। तो यहाँ पे ये जो सटने का संभावना था बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको बिल्कुल आसानी से इस तरह से टर ले लेना है। तो चलिए दोस्तों आपको और एक बार हम डेमो दिखा देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो फिर से हम गाड़ी को वहीं पे वापस ले जाते हैं, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। मेरा मकसद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए, इसलिए मैं वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो फिर से हम गाड़ी को यहाँ पर उस रोड पर ले जाते हैं और वहाँ से आपको फिर से समझाने वाले हैं हम। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से जाएंगे हम, ध्यान देना कि उधर से गाड़ी नहीं, तो अभी देख सकते हैं फिलहाल एक ट्रक आ रहा है, तो ट्रक लगभग पता करता पार हो ही जाएगा। तब तो यहाँ क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ट्रक को पार होने देते हैं। ट्रक पार हो गया, अब क्या कर रहे दोस्तों, जैसे कि डिवाइडर के आप सामने थे बिल्कुल, तो यहाँ पर हल्का सा आपको लेफ्ट लेना है पहले, हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हाफ गाड़ी पार होने के बाद बिल्कुल इस तरह से टर्न ले लेना है, देखिए बिल्कुल आराम से टर्न हो जाता है दोस्तों, देखिए कितना सामने से टर्न हो गया। तो इसी प्रकार से आपको करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट क्या कीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।